जरा इस मंजर को देखें। अररिया से किशनगंज जाने वाली सड़क में करीब 7-8 जगह कुंड मारा हुआ है। सड़कें जर्जर है, लोगों को 20 किलोमीटर से अधिक सफर करना पड़ता है, लेकिन इस नहर वाली सड़क से जाने के लिए कम से कम 1 घंटा जाम में रुकना ही होगा। ऐसे में लोग करें तो क्या। चलिए आपको ले चलते हैं पलासी प्रखंड के श्यामपुर पंचायत, जहां 3 लोग इस बार त्रासदी में बह गए। माल मवेशी की बातों छोड़िए, इस पंचायत में 5 जगह कलवट टूट गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आइए सुनते हैं ग्रामीण मुखिया व समिति सदस्य ने क्या कहा। क्या आप लोग को अब तक सरकार की ओर से कोई राहत मिला है क्या? नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं जी। नहीं मिला है। कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे संरक्षण करने के लिए? आए थे, सीओ साहब आए थे। कुछ कह के गए हैं, आश्वासन दिए हैं, खाने पीने का दिए हैं, लेकिन मिला नहीं है। क्या क्या कह करके गए हैं? क्या आप लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं? जीवन किस तरह जी रहे हैं आप लोग? कैसे यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं? अभी तो हम लोग बहुत स्थिति गड़बड़ है, बहुत हम लोग अभी बहुत मजबूरी के साथ जी रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम? मुजाहिदुल इस्लाम। इस पंचायत के मुखिया है, आपने बाढ़ग्रस्त जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनके लिए क्या किया आपने? देखिए, पिछले बार हम शिविर चलाए थे, उसमें बहुत आदमी को खाना खिलाया जी। तो इस बार भी बोले कि शिविर चलाने के लिए, तो हम शिविर कहाँ से चलाएंगे? हमको तो पिछला वाला भुगतान बाकी है, पिछला वाला भुगतान सरकार कर ही नहीं रहा है। बार बार बोल रहा है कि शिविर चलाइए, हम कहाँ से शिविर चलाएंगे? अब तक राहत कहीं पहुँचाया आपने? राहत कुछ भी पन्नी दिया है, 24 गो पन्नी, वो भी ब्लॉक में रखा हुआ है। 24 गो पन्नी हम किसको पंचायत में देंगे? 9000 पब्लिक है यहाँ पर। चूरा बिस्किट सर कुछ भी नहीं मिला है, चूरा बिस्किट कुछ नहीं, सिर्फ आता है कि आप लोग सूची बनाइए, 6000 वाला मिलेगा, खाने पीने का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। चूरा बिस्किट सर नहीं, पन्नी वन्नी भी पन्नी तो 24 गो दिया है, बिस्किट सब चूरा कुछ नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन तो मतलब आगे से भेजता है, यहाँ पर तो सिर्फ बोलता है आप लोग कीजिए कीजिए, हम लोग कहाँ से करेंगे? देगा तो हम लोग कब करेंगे? आपका नाम? मेरा नाम अंसार आलम है, यहाँ पेचली पंचायत का मुखिया है। आते हैं संरक्षण के लिए, तो बोलता है पन्नी दो, चावल दो, ये दो, सरकार से आता ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? तो पहले बार मुखिया साहब जो ये चलाया था, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। अगर मिल जाता तो इस बार दूना खर्चा करता, लेकिन अभी तो वो पैसा नहीं मिला। जब वहाँ पर जाते खिलाओ खिलाओ, हम लोग को पैसा मिलेगा तब ना खिलाएंगे।